पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ऐलान किया है तो संदस वालिद अगूणो सदर आसिफ अली जरदारी 23 दिसंबर से वतन मोटी रो है। आसिफ अली जरदारी की वापसी से पीपी पारा संदस शानदार इस्तकबाल करण की भी बिलावल भुट्टो जरदारी पारा गाल कई वही है। बिलावल भुट्टो जो चवण है तो संदस वालिद के अचण से नवाज लीग के दिनल चयन मुतालबन से तमाम घणो मथस प्रेशर पवो। संदस चवण है तो खेस आसिफ अली जरदारी के मजबूत किरदार और संदस हिकमत अमली और रहनुमाई की जरूरत है। सदर जरदारी के डॉक्टर्स ने इजाज़त दिया है वापस आने के लिए, तो हमने फैसला किया है कि 23 दिसंबर पे सदर जरदारी कराची एयरपोर्ट पर पहुँचेगा और फिर इधर बिलावल हाउस पे छोटा सा एक कॉर्नर मीटिंग से हम खिताब करेंगे और फिर हम मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे हमारा 4 डिमांड्स इम्प्लीमेंट करने के लिए। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अगर सदर जरदारी हमारे साथ इधर पाकिस्तान में बैठना है तो हम बहुत जल्द हमारे 4 डिमांड्स इस हुकूमत से लेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला मैं ये दुआ कर सकता हूँ कि हमारा जो इस्तकबाल होगा वो बड़ा इस्तकबाल हो। लेकिन आप जानते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक आइडियोलॉजी है, हम हमारा आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं। अगर हमारे पास पूरा कौम है, हमारे साथ पूरा कौम है तो ज़बरदस्त, अगर हमारे साथ 10 लोग भी है हम फिर भी हमारा आइडियोलॉजी के मुताबिक काम करेंगे। डॉक्टर ने इजाज़त दिया है और ये दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द फैमिली के उनके पास हिज हेल्थ इज़ सिक्योर। हिज हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, हमारे सब का एक बाब होगा एंड वी ऑल प्रे दैट देयर हेल्थ इज़ केप्ट वेल। तो वो दैट वाज़ द नंबर वन मेन एम फॉर अस। दूसरा, अभी हम असली ऑपोजिशन, रियल स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन कर रहे हैं नवाज शरीफ के खिलाफ, और वी नीड द ग्रेट स्ट्रेटेजिक स्किल ऑफ प्रेजिडेंट जरदारी टू ओवरवेलम द शरीफ गवर्नमेंट that despite the 2/3 majority they will have to implement my 4 demands. Bilawal Bhutto Zardari jo yo bhi chawno hai ta Asif Ali Zardari je achan sa Nawaz League hukumat te asar bhi pondo ae Pakistan ji siyasat me wado bhonchal bhi indo. Ditho vane ta guno sadar Asif Ali Zardari 1.5 saal agu establishment khilaf ek sakht takreer karan kha poe mulk kha bahar halyo veyo. Asif Ali Zardari un takreer me chayo ho ta mulk me army chief har 3 saalan kha poe nao ache tho, पर सियासी क़यादत त हिते हमेशा रहे थी। हाणे जॾहिं मुल्की माहौल सियासी हवाले सां बहितर थियो आहे त ज़रदारी साहब मुल्क अचण जो असूली फ़ैसिलो करे वरितो आहे, ऐं इन में बि को शक न आहे त आसिफ अली ज़रदारी हिकु ज़हीन सियासी चालुनि खां चङी रीति वाक़फ़ियत रखंदड़ सियासतदान आहे। संदसि माज़ी में कयल सियासत ते जेकॾहिं नज़र डोड़ाइजे थी त संदसि सियासी बसीरत ऐं सियासी शतरंज ते खेॾियल रांदि कामयाबु नज़र अचे थी। जंहिंजो मिसाल इहो ॾेई सघिजे थो त आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान में पहिरियों भेरो संदस सियासी बसीरत सभी के खी हलण की रवायत बरकरार रखंदे पंहिंजी हुकूमत जा न रुगो 5 साल निहायत खुश असलूबी से पूरा कया हुआ, पर चूंडुन का पोए उन मुस्लिम लीग नून के चूंडुन में अक्सरियत होजन से इक्तदार भी निहायती जमहूरी अंदाज में मुंतकिल कर पाकिस्तानी सियासत में एक सुठी रिवायत पिण कायम कई हुई। इन में भी कोई शक ना है अगूणे सदर आसिफ अली जरदारी जो अचण मौजूदा हुकूमत लाइ एक वो चैलेंज थो, छाकाण जो नवाज़ हुकूमत अगुई तहरीक इंसाफ़ के अगवान इमरान खान की सियासी कलाबाजी सबब तमाम घनी परेशान है। मुल्क में आसिफ अली जरदारी के अचण से नवाज़ हुकूमत लाइ पानामा लीग्स से पैंजी हुकूमत के बचाण तमाम घणो दुख्यो थी पवंदो, छाकाण तो आसिफ अली जरदारी पैंजी सियासी गेम खेडण में पैंजे तरीके से महारत रखे तो। यो भी इम्कान है तो नवाज़ हुकूमत आसिफ अली जरदारी की मुल्क में मौजूदगी में पान के तमाम घणो दुख्यो महसूस करे। एक तो ये आप देख रहे हो के टू प्रेशराइज द पीपल्स पार्टी इन ऑर्डर टू इंश्योर के हम सख्त असली अपोजिशन ना करें, ताकि हम उनको पैनामा बिल, हम उनको काउंटर टेररिज्म पे, हम उन इन इश्यूज़ पे चैलेंज ना करें। वे बीइंग टारगेटेड, वे बीइंग पोलिटिकली विक्टिमाइज। माई प्रेजिडेंट ऑफ कराची इज़ द ओनली प्रेजिडेंट ऑफ अ पोलिटिकल पार्टी दैट इज़ इन कस्टडी, ही इज़ नवाज शरीफ एंड चौधरी निसार्स पोलिटिकल प्रिजनर। मेरे बाकी जो पार्टी के साथियों हैं उन पर भी मुख्तलिफ केसेस लगाए जा रहे हैं इस वक्त, ताकि हमारा मूवमेंट जो चलेगा इंशाल्लाह ताला नया साल में उसको कमज़ोर करने की कोशिश
कर रहे हैं। पनामा पेपर्स का एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पर जा सकते हो और किसी का नाम डाल सकते हो। अगर उनका नाम है इस केस में वो आता है, तो आप मेरा नाम डालें, आप मेरे ख़ानदान के नाम डालें, उनका नाम नहीं आता है। और द पॉइंट ऑफ द मैटर इज़, अगर मेरा नाम भी है, अगर मेरा नाम होता तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी इन्वेस्टिगेट करें। बट द पॉइंट इज़, आई एम नॉट इन गवर्नमेंट, आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन एक्सपोज्ड इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवर करप्शन स्कैंडल, दिस इज़ नो जोक। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो रूल ऑफ लॉ फॉलो करें, दे एक्ट इन अ मैनर दैट इज़ इम्पार्शल, और वही कानून इस्तेमाल करें जो बाकी पार्टियों के साथ, बाकी लोगों के साथ इस्तेमाल होता रहा है। अड़ी सूरत हाल में नवाज़ हुकूमत में थी सके तो पंजी हिकमत अमली में का तब्दीली करे या पनामा लीक्स से कल अचक जो मुजाहरो करे। पर बहरहाल बिलावल भुट्टो जी इन गाल सांत असा मुतफिक आयूं तो आसिफ अली जरदारी जे मुल्क अचण सा नवाज़ हुकूमत लाए पनामा लीक्स से सियासत करण में पेरी का वधीक परेशानी के खेन मोन डेणो पवंदो। जरदारी साहब के मुल्क अचण सा सिंध तोड़े पंजाब में पीपल्स पार्टी की अवामी सियासत में सरगर्मी भी पैदा थी वेंदी। बिल्कुल इं जी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जलावतनी का पोए मुल्क पहुँचने से मुल्की सियासत में एक भौचाल मची वो। पर ऐसो यो है आसिफ अली जरदारी वतन पहुँचने का पोए कड़ी हिकमत अमली अख्तियार करे तो नून लीग सरकार कड़े नमूने मुँह डे थी।